ये क्या हुआ कि अभी ईरान में ईरान में ये पूरा एक्सीडेंट हो रहा है दिस ऑल इज़ कमिंग अंडर फॉग ऑफ वॉर ईरान में ईरान की जो कूद्स आर्मी थी इसके जनरल थे जनरल सुलेमानी ही वॉज विजिटिंग इराक और इराक में यू ने जनरल सुलेमानी का असेसिनेशन किया इससे यू और ईरान के बीच में टेंशन एस्कलेट हो गए अब इस पूरे इंसिडेंस में एक यूक्रेन की पैसेंजर जेट फ्लाइट टेक टेक ऑफ कर रहा था फ्रॉम ईरान और इसको बाय एक्सीडेंट ईरान ने शॉट डाउन कर दिया एंड वी लॉस्ट 176 सेवेंटी सिक्स इनोसेंट लाइव्स यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मिसाइल ऑपरेट कर रहा था ईरान का ऑफिसर उसके पास कुछ टेन सेकेंड्स का टाइम था टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस इज़ अ क्रूज मिसाइल और इट इज़ अ पैसेंजर जेट सच टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैपन दिस ऑल हैपन ड्यूरिंग द फॉग ऑफ वॉर अनसर्टेनिटी होती है रिस्क होता है और इन सब के कारण एरर्स होती है सो दिस इज कोर्स वी शुड बिलीव दैट दिस इज अ बोनाफाइड एरर बट बिकॉज ऑफ दैट वी लॉस सम 176 पीपल नाउ अब सो दिस इज वाई वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस इस पूरे एक्सीडेंट में हु पेड द प्राइज द कॉमनर्स दैट इज वाई वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस लुक एट दिस हेडलाइन ममता रिक्वेस्ट मोदी टू रिपील सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी टेंथ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन आ गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट निर्भया केस सुप्रीम कोर्ट टू हि ऑन जनवरी फोर्टीन निर्भया केस में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने कॉन्विक को डेथ पेनल्टी दिया है मीन डेथ कैपिटल पनिशमेंट इस कैपिटल पनिशमेंट के लिए कॉन्विक्ट के पास रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन था जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटिशन रिजेक्ट कर दिया देन उन्होंने अब फाइल किया है क्यूरेटिव पिटिशन पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है अगर ये रिजेक्ट होगा तो वो प्रेसिडेंट से मर्सी अपील कर सकते हैं और अगर ये भी रिजेक्ट हो गया देन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी को दे वुड बी हैंग्ड सो दिस इज पेज नंबर वन दिस इज पेज नंबर टू

ट्रांसपेरेशन होता है फ्रॉम प्लांट्स उनकी जो लीव्स होती है उससे ट्रांसपेरेशन होता है तो ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये बिकॉज वेपर लाइटर होते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है एज दे गेन एल्टीट्यूड इनका कंडेंसेशन होता है बिकॉज टेम्परेचर हायर एल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम होता है मीन्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण ये जो वाटर वेपर्स है ये कंडेंस होंगे और लिक्विड फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स में नीचे गिरते हैं नाउ अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है तो ये जो लिक्विड फॉर्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्नो में और बिकॉज ऑफ दिस लो टेम्परेचर इन हायर एल्टीट्यूड्स जस्ट लाइक इन शिमला दिस स्नो फॉल इज टेकिंग प्लेस नाउ राजस्थान टू गेट फर्स्ट बायोटेक पार्क सून सो दिस इज पेज नंबर फाइव दिस इज पेज नंबर सिक्स एंड दिस इज पेज नंबर सेवन ओडिशा सिक्स साइमल्टेनियस एस ई सी सी जनरल सेंसस वॉट इज इट मीन बाई एस ई सी सी एस ई सी सी होता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो हमारे जो नॉर्मल सेंसस होते हैं हर दस साल में इस टेन ईयर्स में टू थाउजेंड इलेवन में इस नॉर्मल सेंसस के साथ साथ हमने करवाया था एस ई सी सी ताकि हम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स या जो दूसरे सोशली डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं उनका भी हम पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट कर सकें और ये डेटा भी हम उनसे ले सकें ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है दे ऑल डिपेंड ऑन डेटा अगर आपका डेटा गलत है देन आपकी पॉलिसी गलत होगी और आपका आउटपुट भी रॉन्ग होगा दैट इज़ बाय सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़ लाइक NPR or sensors or registration, citizen registers, these are all very much essential for good administration. Either kya hai? unavailability of reliable and authentic data about the exact number of socially and educationally backward classes and other backward classes cast geographical areas of their spread and density has been a huge challenge in ensuring focused and outcome specific planning. फोकस्ड एंड आउटकम स्पेसिफिक प्लानिंग तो जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा है कि जो 2021 में हम जो सेंसस कंडक्ट करा रहे हैं इसके साथ साथ हमें एस को फिर से करना चाहिए बट अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो 2011 का डेटा ऑल दो हमने 2015 में रिलीज़ किया था बट वो पार्शल रिज़ल्ट आउट किए थे अभी भी कम्प्लीट रिज़ल्ट थाउजेंड सेंसस का आउट करना अभी इट इज़ येट टू हैपन सो दे हैव सेट कि जब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का सेंसस कंडक्ट होगा तो एट द सेम टाइम हमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी करना चाहिए द साइमल्टेनियस सेंसस विल इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिज कम्युनिटीज लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ विथ ग्रेटर मोमेंटम सो दिस इज पेज नंबर सेवन दिस इज पेज नंबर एट निस इज पेज नंबर नाइन एल सी ए नेवी वेरियंट सक्सेसफुली लेंड ऑन आई एन एस विक्रमादित्य एल सी ए मीन होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा इंडिजीनस एयरक्राफ्ट है तेजस ये उसका नेवल वेरियंट है नेवी के लिए बना है ये ये एक सिंगल इंजन है मल्टी रोल है इंडिजीनस फाइटर जेट है इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और ये मिग ट्वेंटी वन को रिप्लेस करने वाला है इसका जो इंजन है वो है जनरल इलेक्ट्रिक का और इंजन हमने खुद नहीं बनाया है ये इम्पोर्टेड है नाउ इसकी लैंडिंग कराई इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जिसका नाम है विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब दिस इज अ शिप दिस इज वेरी बिग इन साइज सो दैट दीज एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है जिसका नाम है विक्रांत ऑपरेशनलाइज होने में इसमें अभी थोड़ा टाइम है Do you know, USA के पास ऐसे 44 aircraft carriers है, which is a big feat. Now, इस लैंडिंग हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट विक्रमादित्य में सैटरडे में डी ने इसको बताया नाउ ये जो नेवसीएम केन है इसने पहली मेडन फ्लाइट की थी 2012 में इसका प्रोटोटाइप 2012 में रेडी हो गया था अब सेवन एट इयर्स बाद इसने अभी ये लैंडिंग किया है विच इज द बिग टाइम बिग स्पैन ऑफ टाइम और इसका अभी भी फाइनल इंडक्शन नहीं हुआ है फाइनल इंडक्शन होगा 2026 में तो 2026 मतलब इट इज टू लेट एंड टू लिटिल बिकॉज 26 आते आते टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट आ रहे हैं देन कंट्रीज आर वर्किंग ऑन सिक्स जनरेशन एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दिस थ्री एंड हाफ फोर जनरेशन एयरक्राफ्ट सो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड नीड टू स्पीड अप क्वालिटी एंड क्वान्टिटी

द राइट टू सेल्फ परसिव्ड जेंडर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड्स फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स ट्रांसजेंडर खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी क्या आइडेंटिटी है वो खुद को एज अ मेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फीमेल कर रहे हैं सो दिस डिपेंड्स ऑन दैट ट्रांसजेंडर और वो इसको सर्टिफाई कर सकते हैं मजिस्ट्रेट से In case a transgender person has met a gender change surgery, the law says they can obtain a certificate from the medical facility where they had the operation and apply for a change in their certificate. So this is an important decision because transgender people are deeply deprived. Nothing will change till there is sensitization of common people. They are as human as any other one. So we need to sensitize the people. So this is page number nine. नाओ दिस इज़ पेज नंबर टेन कबूस वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया ओमान के ये सुल्तान थे थर्टी फोर लैक ओ सी आई कार्ड इशूज ओ सी आई मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है आप इंडिया के सिटीजनज हो मतलब आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं तो जो इंडियंस हैं वो फॉरन कंट्री में हैं उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले सक रखी है नाओ एट द सेम टाइम वी आर प्रोवाइडिंग दैम इंडियन सिटीजनशिप काइंड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजनस ऑफ इंडिया इसमें क्या प्रोविजन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफर्स इलिजिबल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मल्टीपल एंट्री आप जितने बार चाहो इंडिया में आ सकते हो लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा आपको इंडिया का ओ सी आई कार्ड होल्डर्स है नॉन रेसीडेंट इंडियंस मतलब इंडियन की सिटीजनशिप है बट वो यू एस ए में रह रहे हैं जैसे आई टी वर्कर्स यूएसए जाते हैं तो वो एन आर आई बन जाते हैं

रिसेंटली दिया है दर्पज़ इज कि जो हमारे ओवरसीज सिटीजन है इंडियन ओरिजिन के हैं इंडिया वॉन्ट्स टू हैव अ गुड कनेक्शन गुड कनेक्ट विद ऑल दीज पीपल सो अच्छा ये जो ओ सी आई होते हैं इनको करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए भी अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है ओ सी आई कार्ड से ही ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर विजिट कर सकते हैं सो दिस इज़ पेज नंबर टेन दिस इज पेज नंबर एलेवन ये हमारे नए जनरल हैं

अपने अंडर में लिया था नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज़ वाई ऑल दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव हि इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम इस प्लेस को नहीं छोड़ेंगे नाउ इसको देखो ये जो फोटो है ये रोंगाली बिहू की है बिहू असम का एक फेस्टिवल होता है डांस फेस्टिवल भी होता है जो रोंगाली बिहू है रोंगाली बिहू जो होता है बिहू के तीन फॉर्म्स हैं यहाँ पे। एक है रोंगाली बिहू दूसरा है कंगाली बिहू एंड जो तीसरा है वो है भोगाली बिहू जो दिस दिस वन द रोंगाली बिहू रोंगाली बिहू होता है आपका अप्रैल में स्प्रिंग सीजन में जब फेस्टिविटीज होती है इसमें डांस होता है म्यूजिक होता है दिस पीपल आर डांसिंग इन म्यूजिक जो नेक्स्ट होता है कोंगाली वो आता है ऑस्टेरिटी में जब फसल अच्छी नहीं है ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं एंड जो भोगाली होता है वो होता है जनवरी में हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे बिहू असम कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है अब ये लोग जो डांस कर रहे हैं इनको मिलते हैं गिफ्ट्स बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस तो गवर्नमेंट बोल रही है इसमें हम जीएसटी लगाएंगे तो ये उस बात का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो दिस इज़ पेज नंबर एलेवन दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व कबूस द सुल्तान हु शील्डेड ओमान फ्रॉम रीजनल टर्मोइल देखो जो वेस्ट एशिया है ना इसका कल्चर डिफरेंट है वेस्ट एशिया में मोनार्की है सल्तनत से देयर वे ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट और जो यू एस एू के कल्चर है ये है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज़ अ गुड थिंग बट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फुल प्रूफ और ये ज़रूरी नहीं है कि जो यू एस में जो कल्चर है वो अगर हम वेस्ट एशिया में सेम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी लगाएं तो वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी सी अरब अरब स्प्रिंग हुआ था उसके बाद में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे बट इफ़ वी ऑब्जर्व क्लोजली स्टिल इनका जो कल्चर है वो इतना प्रमोट नहीं कर पा रहा है डेमोक्रेसी का दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स सो ये सुल्तान कबूस थे इन्होंने शील्ड किया था ओमान को फ्रॉम रीजनल टर्मोइल हीज मो सो दिस इज देन अगेन ट्रम्पस बर्थडे ग्रीटिंग्स टू किम नॉट इनफ टू री स्टार्ट टॉक्स नॉर्थ कोरिया ये कोरियन पैनल है ये साउथ कोरिया है ये नॉर्थ कोरिया है इधर चाइना है और इधर रशिया है ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से इसका जो डिक्टेटर है, हेड है वो है नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ये मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट यू और नॉर्थ कोरिया में टेंशनस होते हैं सो दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व दिस इज पेज नंबर थर्टीन वोन बैक फिजिकल टाइटनिंग करंटली फिजिकल टाइटनिंग का मतलब ये होता है देखो फिजिकल ईयर होता है अपना उसमें जितना एक्सपेंडिचर हुआ और जितनी इनकम हुई इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है इस डेफिसिट की पूर्ति हम करते हैं लोन्स के द्वारा एफ आर बी एम एक्ट आया था वो बोलता है ये जो लोन आ रहा है डेफिसिट आ रहा है ये थ्री परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सो फिजिकल इज एक्चुअली अ गुड थिंग दिस टेल्स की आपकी ग्रोथ हो रही है आप कि जो इकोनॉमी है वो उसमें पैसा आ रहा है और वो पंप हो रही है अब यह जो गवर्नमेंट है ये टारगेट के बहुत क्लोज आ गई है और हमारी इकोनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही है तो ऐसे में अगर टाइटनिंग हुई तो पे और बैड इंपैक्ट आएगा दैट इज़ प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी ने कहा है कि फिजिकल डेफिजिट को हमें फॉर टाइमिंग भूल जाना चाहिए इट्स नॉट अ बिग डील द टाइम फॉर टूडे इज टू रिवाइव द इकॉनॉमी नाउ दिस इज अबाउट इंडियन कोबरा जिनोम मैप्ड ये इंडियन कोबरा है कोबरा इज अ वेरी पॉइजनस स्नैक इसका जीनोम मैप हुआ है मतलब इसके सारे जो डीएनए एन है उसका कंप्लीट प्रोफाइलिंग हुआ है ये क्यों जरूरी है अगर इसका कंप्लीट प्रोफाइलिंग होगा तो जो एंटी वेनम बनाने का हमें पर्पज होता है एंटीडोट बनाना होता है वो बनाना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है हम बेटर वे में उसको डिजाइन कर सकते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्होंने ये बात किया है कि जो बिग फोर होते हैं जैसे इंडियन कोबरा क्रेट रसेल्स वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर ये बहुत पॉइजनस है बिग फोर बोलते हैं तो जो वैनम आता है हमारा एंटीवेनम डोट एंटीडोट वो इन चार को ध्यान में रख के बनाया जाता है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो दूसरे पॉइजनस स्नेक हैं उनका भी हमें स्पेसिफिक एंटीडोट बनाने को ट्राई किया जाए सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इट कि वाई दिस जीनोम सिक्वेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एंड प्रिपेयर एंटीवेनम एंटीवेनम जो बनाना होता है ये पूरा प्रोसेस भी बहुत टीडियस होता है ईजी प्रोसेस नहीं है सो so, ये जो जीनोम सिक्वेंसिंग टर्म होता है इसमें हम इसके सारे डी का मैपिंग किया है उसको स्टडी करेंगे और फिर हम एक प्रॉपर एंटीडोड बनाना में सक्सेसफुल रहेंगे ये एयर क्रैश है देखो ब्लैक बॉक्स एक मिसनोमर है दिस इज द ब्लैक बॉक्स ये ऑरेंज कलर का है सी ब्लैक बॉक्स जो होता है वो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जब प्लेन का एक्सीडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स को ऐसे बनाया जाता है कि ये डैमेज नहीं हो तो इसकी स्टडी से हम फाइंड कर सकते हैं कि वॉट एक्चुअल हैपन फॉल्ट क्या था ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग होती है स्पीड हाइट रेट ऑफ क्लाइम डिसेंट फ्लाइट पाथ लोकेशन फ्यूल लेवल्स इंजन टेम्परेचर एग्जॉस्ट फ्लैप पोजिशन इन सब पैरामीटर से वी कैन फाइंड आउट कि वॉट एक्चुअली वेंट रॉन्ग नाउ इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है फ्लाइट डेक में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रांसमिशन क्रू कॉन्वर्जेशन एंड इवन द साउंड ऑफ स्विचेज एंड इंजन नॉइज ये जो डिज़ाइन होता है ये ऐसा डिज़ाइन होता है कि एक्सीडेंट के बाद भी इसको डैमेज नहीं होता है ये उसको सहन कर लेता है इतने सीवियर स्ट्रेस को भी सो कैन अ सिविलियन एयरक्राफ्ट भी ब्रॉड डाउन बाय अ स्टेट इसकी एक ट्रीटी है शिकागो कन्वेंशन वो बोलते हैं है ऐसा नहीं है और अगर ऐसा होता है तो जिसने शॉट डाउन किया है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा सो so, इस केस में ईरान को जो विक्टिम्स की फैमिली है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन टू फैमिली बट वो लाइफ तो वापस आ नहीं सकती है वाई आर बुश फायर ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो हाई लो टेम्परेचर हाई लो ऐसे करके सी सो हो रहा है और इसके कारण जो रेनफॉल है इंडिया में और जो ड्रॉट है ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल तब होता है जब इंडियन ओशन के पास इंडिया की तरफ पॉजिटिव हाई टेम्परेचर हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ नेगेटिव टेम्परेचर हो रहा है टेम्परेचर सी सरफेस का ज़्यादा होगा मतलब अनस्टेबिलिटी है पानी ज़्यादा एवोपरेट होगा पानी ज़्यादा एवोपरेट होगा अनस्टेबल कंडीशन होगी मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा तो देखो इस साल इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है मानसून बेटर है अब इधर ज़्यादा रेनफॉल हुआ है तो प्रॉब्लम डेफिसिट कहाँ होगी डेफिसिट होगी ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में इस बार रेनफॉल बहुत कम हुआ है और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दिस सीवियर वाइल्ड फायर टुक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया और जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल होता है उसमें इंडियन ओशियन के पास टेम्परेचर कम होता है और ऑस्ट्रेलिया के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है सी सरफेस टेम्परेचर तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है और इंडिया में मानसून फेल हो जाता है सो दिस इज इंडियन ओशियन डायपोल ये दोनों को ऐसे लिंक करता है नाउ इसमें यह बताया है ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर है इसमें 10.3 मिलियन हेक्टेयर में यह फैली है जो साउथ कोरिया से भी बड़ा एरिया है 27 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बिलियन एनिमल्स हैव इवैक्यूएशन इतने सारी लाइव्स अफेक्ट हुई है और इंडिया में वेट मॉनसून हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून डिले हो गया सो दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडियन ओशियन डायपोल इन्होंने ये भी बोला है कि हम बार बार इसको कनेक्ट कर रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज अप टू एन एक्सटेंट इज ट्रू बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच हैच कीप्स ऑन हैपनिंग आफ्टर सम ईयर्स और डेकेड्स बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो कि हम प्रिपेयर हों इस टाइप के जो फायर्स होते हैं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन से हम उन फायर्स को डिजास्टर मिटिगेट कर सकते हैं उसका जो इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और दिस इज वेयर वी फेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस बुश फायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सो दिस इज पेज नंबर फिफ्टीन न्यू मैथड बेटर एस्टिमेट मेल्टिंग ऑफ डेबरी कवर्ड हिमालय ग्लेशियर्स अगेन ग्लेशियर्स क्या है फ्रोजन आइस है ये मेल्ट होते हैं ये फिर वापस भी बन जाते हैं बट अगर मेल्टिंग रैपिड हो रही है तो ये श्रिंक होने लग जाते हैं इधर इन्होंने बात किया है सत्तोपंथ ग्लेशियर की ये हिमालय में है इसका जो डेबरी है मतलब जो डेबरी उसके आस पास जम जाता है वो कई बार एज अ शील्ड वर्क करता है और जो फर्दर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है उसको स्टॉप करता है इट स्लोज डाउन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अब क्या हो रहा है ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना ये मेल्ट करते हैं तो इनका पानी आता है रिवर में और इसीलिए हिमालयन रिवर पैरनियल रिवर है इनका बारह महीने इनमें पानी रहता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सी लेवल राइज हो रहा है फ्रेश वाटर के सोर्सेज हमारे पास कम हो रहे हैं रिवर ड्राई हो रही है तो इसलिए ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्टडी किया है जिसमें इन्होंने ग्लेशियर्स के नेचर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है इंडिया शुड लीड इन फाइट अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मीन्स ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको किल करने के लिए हमने मेडिसिन दी इससे बहुत सारे माइक्रोब्स मर गए बट कुछ जो होते हैं वो बच जाते हैं और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत रैपिडली होता है तो उसके कारण क्या होता है वो जो बचे हुए इम्यूनिटी वाले माइक्रोब्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाती है और वो जो नई पॉपुलेशन आती है वो ड्रग रेजिस्टेंट पॉपुलेशन आ जाती है तो जो आप नई मेडिसिन दोगे वो इन नई पॉपुलेशन पे अफेक्ट नहीं करेगी इसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस नाउ एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करेंगी दैट इज़ वाई ओवर द काउंटर जो हम एंटीबायोटिक का सेल है उसको स्टॉप करने का गवर्नमेंट बोलती है टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन सो इन दिस आर्टिकल द ऑथर हैज़ स्पोकन दैट इंडिया शुड लीड इन द फाइट अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन ये स्पीशीज रिच फॉरेस्ट है स्टेबल कार्बन कैप्चर है फॉरेस्ट में जो ग्रीन होता है ना ये पूरे कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है अब जो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट होते हैं मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं प्लांट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट है ट्रीज है तो इनका कार्बन स्टोरेज बेटर होता है और जो हम अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसमें हम एक ही स्पीशीज़ के सारे प्लांट लगा देते हैं टीक लगा दिया मैंगो लगा दिया साल्स लगा दिया इससे जो ऑल दो ग्रीनरी तो आ जाती है बट जो वो फॉरेस्ट होता है उसका कार्बन कैप्चर कैपेसिटी कम होता है फॉर एग्जाम्पल टीक एंड यूकेलेप्ट प्लांटेशन है फोर्टी थ्री परसेंट एंड फिफ्टी फाइव परसेंट लेस कार्बन स्टोरेज देन नेचुरल फॉरेस्ट सो इन्होंने ऐसा बात किया है कि जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट डेटा से उन्होंने ये देखा कि फ़ॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज हुआ है बट जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे कार्बन स्टोरेज भी इस न्यू फॉरेस्ट का कम है और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बायोडाइवर्सिटी होती है तो ऐसे फॉरेस्ट फायर्स के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं फायर प्रूफ होते हैं ऑस्ट्रेलियन फायर्स को माइंड में रखकर फॉरेस्ट है सोडियम सल्फर बैटरी बनाया है अभी तक इस बैटरी को ऑपरेट करने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है बट इन्होंने एक ऐसा डिजाइन किया है कि ये हम रूम टेम्परेचर पे भी अचीव कर सकते हैं दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट ये जो है ना ये प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइप रियल वर्ल्ड में तब आएंगे जब ये कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और ये स्केलेबल होंगे इनका प्रोडक्शन मास स्केल पॉसिबल होगा देन दिस इज पेज नंबर सिक्सटीन डिस्पैचेज इधर इन्होंने बात किया है श्रीलंका का श्रीलंका में जो इंडिपेंडेंस डे है इस बार वो तमिल एंथम नहीं गाएंगे तमिल का ये स्टोरी है कि जो श्रीलंका है वहाँ पर तमिल कम्युनिटी भी अच्छी खासी है इन द नॉर्दर्न पार्ट ये इंडिया है ये गल्फ ऑफ मन्नार है ये पाक स्ट्रेट है और ये जो जाफना एरिया है यहां पर रहते हैं ये तमिल्स ने सिविल वॉर के टाइम पे एक सेपरेट स्टेट का डिमांड किया था तमिल एलाम। ये डिफीट हो गए बट इसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने तमिल का जो नेशनल एंथम है वो तमिल लैंग्वेज में भी एक्सेप्ट किया था बट अब इस साल से उसको रोल बैक कर दिया है सो देयर वुड नॉट बी नेशनल एंथम इन तमिल लैंग्वेज आफ्टर सुलेमानी स्किलिंग रशिया मूव पुश टू इट्स एजेंडा इन वेस्ट एशिया हमने वेस्ट एशिया पढ़ा था ना अभी वेस्ट एशिया में ये जो सुलेमानी का किलिंग हुआ है इससे जो पावर बैलेंस है वो फिर से बिगड़ गया है रशिया जो है वो ट्रेडिशनली सीरिया का फ्रेंड रहा है बसर अल हसद को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन की काफ़ी बैकिंग मिलती है अब जो सुलेमान था वो रशिया से भी क्लोज थे रशियन ऑपरेशन में इनका हेल्प हुआ है अब रशिया फिर से अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है एस फोर टर्की को उसने सप्लाई किया है मिसाइल सिस्टम टर्की जबकि नाटो का मेंबर है नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन टर्की नाटो की सेकेंड बिगेस्ट आर्मी है सो टर्की इज़ मूविंग क्लोज़र टू रशिया एंड दिस असद बल बशर अल-असद इज़ ऑलरेडी क्लोज़र टू रशिया नाउ जो सोलेमानी का किलिंग हुआ है तो रशिया ने फिर से अब इस वेस्टर्न एशिया में ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रजेंस रशिया अभी रिसर्जेंस स्प्री पे है रशिया ने काफ़ी पोलिटिकल एंड जो वर्ल्ड लेवल पे इसका जो क्लाउड है दैट इज ऑन राइज वेर एज जो यूएसए है यूएसए आइसोलेट होता जा रहा है देन दिस इज अमिड एसकेलेटिंग यू एस टेंशन अफगान फियर गेटिंग एन स्नेड अफगानिस्तान में क्या है ये है अशरफ घनी ये अभी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं बट उसका रिजल्ट अभी प्रिलिमिनरी रिजल्ट है ये चेंज भी हो सकते हैं फर्स्ट एंड रिजल्ट हैं ये अब अफगानिस्तान से यूएस पुल आउट कर रहा है तालिबान टॉक्स भी किए हैं और अब कासिम सुलेमानी असैसिनेशन ऑफ जनरल ऑफ कूद आर्मी ऑफ ईरान इससे क्या हुआ है कि जो ये जो जो आर्मी थी कूद आर्मी थी इसमें बहुत सारे अफगानिस्तान के लिए जो बंदे थे वो उस आर्मी में सर्व करते थे तो इन अ वे दीज पीपल आर ऑल्सो अफेक्टेड और अगर कूद आर्मी अफेक्ट होगी तो इसका रिपरकशन अफगानिस्तान में भी आएगा सो दे हैव टॉकड अबाउट इट येयर दे हैव टॉक्ड अबाउट ब्राज़ीलियन स्ट्रीट्स ब्राज़ील का इकोनॉमी अच्छा नहीं जल रहा है होमलेस पीपल आर ऑन राइज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो इस टाइप के केसेस आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे होमलेस पीपल आप फोर्स टू लिव इन एन ओपन एंड कोल्ड एटमोसफेयर सो दिस इज अबाउट द ब्राजीलियन स्ट्रीट सो पेज नंबर सेवेंटीन इज अ स्पोर्ट्स पेज नंबर एटीन इज अगेन्पोर्ट्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो टेक केयर